आज दीव जिला शिक्षण विभाग और समग्र शिक्षण अभियान के संयुक्त उपक्रम से आयोजित यूटी लेवल के 47वें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी का 2 दिवसीय कार्यक्रम सफल संपन्न हुआ, जिसमें दीव जिले की कुल 26 स्कूलों के 102 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लेते हुए 51 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने बड़े ही उत्साह से हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के समापन समारोह के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी में विजेता रहे बाल वैज्ञानिकों को इनामों से पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम विजेता को 1500 रुपये, द्वितीय विजेता को 1200 रुपये और तृतीय विजेता को 1000 रुपये दिए गए, जो 5 ग्रुप में कुल 18500 रुपये दीव के समग्र शिक्षा अभियान द्वारा दिए गए। इस अवसर पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिलावर मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आर के सिंह, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अरविंद सोलंकी तथा मनोज बारिया के शुभ कर कमलों से नन्हे बाल वैज्ञानिकों को इनाम तथा प्रमाण पत्र देते हुए प्रोत्साहित किया गया। इन 51 प्रोजेक्ट में से बेस्ट कृति नेशनल लेवल का हिस्सा बनेगी। इस प्रदर्शन के जज के तौर पर KA सोलंकी, SS चौहान और RK सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संपूर्ण मंच संचालन शिक्षण विभाग के पेडागोजी मानसिंह भाई बामनिया द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु समग्र शिक्षा विभाग ने भारी मेहनत उठाई थी। समग्र शिक्षा अभियान दृष्टिकोणी परिणीत जो आज स्टेट लेवल नो 47 जवाहरलाल नेहरू साइंस एग्जीबिशन नो आयोजन करवामां आव्युं छे। उत्तमें विद्य शालाओं हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यार्थियों भाग लीधेलो है। एम कुल 51 प्रोजेक्टो आएगा है, जेमा 33 प्रोजेक्ट जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी है, 18 प्रोजेक्ट जो है ये मिडल शालाओं में। दरेक प्रोजेक्ट की अंदर 2 पार्टिशिपेंट और गाइड टीचर आएगा है। आम जो तो आंदर 102 विद्यार्थी टोटल पार्टिशिपेट करेलू है।